students, I am C. Harshita Rizvani from HR Institute of Studies. Today, we will be starting with a new chapter in Science for Standard 8 Student. The name of the chapter is Force and Pressure, that is chapter number 11. So students, chapter number 11 or chapter number 12 हम एक साथ पढ़ेंगे, दोनों kind of एक दूसरे से linked है, Force and Pressure and Friction. तो आज हम पढ़ेंगे Force and Pressure. ओके, तो let us study the introductory part. ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकली अपना दिमाग खुला रख के एग्जांपल्स आपके आजू बाजू में चीजों के एग्जांपल्स के थ्रू समझना. In chapter 7, you have learned how object move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? Okay, first it is nothing. सेकेंड पैराग्राफ में आ जाती हूँ. चलिए जो पूरा है ना वो कुछ ही नहीं है इंट्रोडक्शन. डायरेक्ट में फोर्स और पुश और पुल बोला है. फोर्स में ना ये अगर पेन है, अगर मेरे को उसको फोर्स करना है तो मैं या तो उसको पुश कर रही हूँ या तो मैं उसको पुल कर रही हूँ. सपोज यहाँ पे पड़ा है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, इसको मेरे को फोर्स अप्लाई करना है तो या तो मैं इसको पुश कर रही हूँ या तो मैं इसको पुल कर रही हूँ, या तो मैं इसको धक्का दूंगी या मैं अपनी तरफ खींचूंगी. पुश करना मतलब धक्का देना, पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना. तो एक्शन लाइक पिकिंग, टिकिंग मतलब कुछ उठाना, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग और ऑफन डिस्क्राइब एज सर्टेन टास्क. ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज. अगर मैं बोल रही हूँ पेन को पिकअप करो, सो आप इस पेन को पिक करोगे, ठीक है. सो ये पिकिंग, तो पिकिंग से चेंज हुआ, पेन नीचे पड़ी थी और आपके हाथ में आ गई. सो आप मैं बोल रही हूँ कि ये नीचे फुटबॉल है, उसको किक करो, तो आपने जब किक किया तो फुटबॉल की पोजीशन चेंज हो गई. तो पिकिंग, किकिंग, शटिंग ये सारी एक्टिविटी में यूजुअली चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टेट बदल जाता है. कोई चलती हुई चीज को रोकना, रोकती हुई चीज को चलाना, चलती हुई चीज को और फास्ट करना, कुछ भी करते हैं हम तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विद वन मोर टर्म. देखो, यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन, ओके डायरेक्ट इन साइंस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. मतलब फोर्स मतलब क्या होता है, तो फोर्स इन साइंस, साइंस आइडियोलॉजी के हिसाब से फोर्स मतलब होता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप धक्का मार रहे हो या खींच रहे हो तो उसको बोलते हैं फोर्स. दस वी कैन सी दैट मोशन, दस वी से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब बदलता है, सी फॉर एग्जाम्पल ये पेन अभी रेस्ट पोजिशन पे, ये पेन को मैंने अगर पुश किया तो ये पेन ने अपना पोजिशन चेंज करा. मतलब कोई, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्यों चेंज होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है. वापस, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन कब चेंज होता है, जब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है. सी फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सपोज पेन को मैं मूव करा रही हूँ और कराते कराते मैंने इसको रोक दिया, तो क्या हुआ, मैंने इस पेन को रोका और इसका मोशन को रोक दिया, तो रोकने में मैंने फोर्स अप्लाई किया. इन शॉर्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बदल सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स. क्लियर, ये सेंटर आइडिया है इसका. When does a force come into play? Let us find out. Okay. अब यहाँ पे फोर्स आर ड्यू टू द इंटरक्शन. फोर्स क्यों होता है, फोर्स इंटरक्शन के कारण होता है. फोर्स जो हम कब से पढ़ रहे हैं वो होता क्यों है, फोर्स होता है ड्यू टू इंटरक्शन. मतलब इंटरक्शन से कैसे होता है, ये बहुत अच्छी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में समझाया गया है. यहाँ पे आपको कितने फिगर्स दिए हुए, आपको बहुत एग्जाम्पल्स के जो समझाया गया. देखो, सपोज अ मैन इज साइनिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. स्टेशनरी कार मतलब रुकी हुई कार. एक रुकी हुई कार के पीछे एक मैन खड़ा है ऐसे चुपचाप. एक रुकी हुई कार के पीछे एक चुपचाप मैन खड़ा है. विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस. बस एक कार के पीछे कोई खड़ा हो गया तो क्या कार चलने लग जाएगी, नहीं चलेगी ना. अच्छा, सपोज नाउ मैन बिगिन टू पुश द कार. अब मैन ने कार को धक्का मारा, अगर मैन ने कार को धक्का मारा दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स, तो क्या कार चलने लगेगी, थोड़ी आगे जाएगी ना. कार को थोड़ा धक्का मारेंगे, पुश करेंगे तो थोड़ी बहुत मूव करेगी. द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे उस डायरेक्शन में कार मूव करेगी. नोट द मैन हैड टू पुश द कार टू मेक इट मूव. मतलब मैन को उस कार को मूव कराने के लिए उसको पुश करना पड़ा. जब मैन एक कार के पीछे खड़ा था खाली, तो कोई इंटरक्शन नहीं था, मैन और कार के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो कार खुद मूव नहीं हुई. लेकिन जब मैन ने उसको पुश किया, मतलब जब मैन ने फोर्स अप्लाई किया, तो वो कार का मोशन बदल गया. लेकिन पुश अप्लाई करने के लिए मैन को और कार
कार को एक दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ा, क्लियर। तो फोर्स के लिए क्या जरूरी है? इंटरैक्शन। खड़े खड़े कुछ नहीं होगा, मुझे टेन को मूव कराना, मैं इसको धक्का नहीं मारू तो कैसे मूव होगा, कुछ इंटरैक्शन चाहिए। अब देखो, देखो आपको दोनों फिगर के थ्रू भी समझा। 11.2a, a man standing behind a stationary car, कि एक मैन स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है तो कुछ नहीं हो रहा। फिर 11.2b, a car being pushed by a man, और 11.2b में मैन कार को पुश कर रहा है। नाउ फिगर 11.3 देखो। अब 11.3 में तीन सिचुएशन है, कैन यू डिसाइड विच इज पुलिंग विच इज पुशिंग इन दिस केस? चलो आप बताओ। पहला देखो, दो लड़कियां एक दूसरे को हाथ से ऐसे पुश कर दिए, मैंने खुद ही बोलती है सॉरी, ओके। ये दो लड़कियां, आप पिक्चर में देखो, दो लड़कियां, ये जो 11.3A है उसमें वो क्या करे, पुश करे कि पुल, दोनों एक दूसरे को धक्का मारिए, दोनों एक दूसरे को धक्का मारिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। 11.3B में देखो, दोनों ऐसे पोजिशन में तो एक दूसरे को क्या करे, खींच रही है, पुल कर रही है, मतलब पहले सिचुएशन में पुश हो रहा है, दूसरे सिचुएशन में पुल हो रहा है, क्लियर। ओके, नाउ सपोज द काउ एंड द मैन, आप 11.3 में काउ मैन को क्या कर रहे हैं, सॉरी मैन काउ को क्या कर रहा है, मैन काउ को खींच रहा है, आप देखो वो डोरी से खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है, तो वो क्या है, पुल, क्लियर। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो मतलब अपन ने यहाँ पे तीन सिचुएशन देखी, एक पिक्चर में दो लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही थी, दूसरे सिचुएशन में दो लड़कियां एक दूसरे को पुल कर रही थी, और तीसरे सिचुएशन में मैन काउ को पुल कर रहा था। तीनों सिचुएशन पे बीच गर्ल्स और बीच मैन वो क्या कर रहे थे, पुश या तो पुल कर रहे थे, मतलब क्या अप्लाई कर रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रहे थे, क्लियर। अपन ने यहाँ पे एक तो कार वाला एग्जाम्पल देखा और गर्ल्स वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम इतना समझ सकते हैं कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अनदर फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले। अगर फोर्स अप्लाई, फोर्स टू कम इनटू प्ले, फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे तो कभी भी फोर्स नहीं होगा। जैसे एक मैन स्टेशनरी कार के पीछे चुपचाप खड़ा है तो कार आगे नहीं जाएगी, लेकिन जब उसने धक्का मारा तो आगे गई। मतलब जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता। दस इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स पुश भी हो सकता है, फोर्स में या तो पुश आता है या तो पुल, दोनों आते हैं। अब फोर्स टू कम इनटू प्ले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरैक्शन होना चाहिए, इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होना जरूरी है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में अपन पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम एक्टिविटी करेंगे और एक कंसेप्ट को समझेंगे, पूरा अटेंशन यहाँ पे। सबसे पहले एक्टिविटी टू कर रहे हैं अपन, सॉरी 11.2। चूज अ हैवी बॉक्स लाइक अ टेबल और अ बॉक्स, एक बहुत हैवी बॉक्स लो जिसको खिसकाना मुश्किल हो, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, ट्राई टू पुश इट बाय योरसेल्फ, कैन यू मूव इट, नो आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन, इज इट इजी टू मूव इट, नो पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर। ओके, ये क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। एक हैवी सा बॉक्स दो जिसको धक्का लगाना थोड़ा मुश्किल है, उसको अकेले धक्का लगा के देखो क्या लग रहा है या मुश्किल आ रही है। उसके बाद क्या करो, आप अपने फ्रेंड को बोलो जब साथ में धक्का लगाते हैं, तो जब आप और आपका फ्रेंड साथ में एक बॉक्स को धक्का लगा रहे हो तो क्या वो बॉक्स थोड़ा इजिली मूव हुआ, यस और नो। तीसरी बात, आप पहले क्या कर रहे हो, आप और आपका फ्रेंड सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हो। थर्ड सिचुएशन में आप इस साइड धक्का लगा रहे हो, आपका फ्रेंड उल्टे साइड धक्का लगा रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हो, तब क्या हुआ, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ, आपने को आई गया होगा लेकिन एक बार बता देती हूँ। जब मैन अकेले एक हैवी बॉक्स को धक्का लगा रहा था तो उसको हिलाना मुश्किल हो रहा था, जब उस समय फ्रेंड की मदद से सेम डायरेक्शन में वो बॉक्स को हिलाया तो बॉक्स इजीली हिला होगा। लेकिन जब वो और उसका फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स को हिला रहे तो बॉक्स हिला ही नहीं होगा, क्योंकि उसका वो इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, उसका फ्रेंड उस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को ही धक्का दे रहे, तो बॉक्स तो मूव ही नहीं हुआ। तो देखो, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर देखा है, दोरी होती है, कोई इधर धक्का देता, कोई इधर धक्का, कोई इधर धक्का, कोई इधर धक्का, और जिसने ज्यादा, जिसके ज्यादा पावर, जिस साइड ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ उस साइड सब गिर जाते हैं। टग ऑफ वॉर याद है ना, इमेजिनेशन आ रहा है, चलो नहीं गया तो पिक्चर देखो 11.3। जिस जिसको नहीं पता टग ऑफ वॉर क्या होता है, 11.3 पिक्चर देखो, 11.5, ठीक है। ये गेम में टू
टीम पुल एक्ट रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, ये टीमें क्या होती है, एक रस्सी होती है और दो टीम अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। मतलब सपोज एक टीम में चार लोग है, वो चार लोग इस डायरेक्शन में खींचेंगे, दूसरी टीम में चार लोग वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। Members of both the team try to pull the rope in the direction. Sometimes the rope simply does not move. कभी कभी क्या होता है, रोप हिलती नहीं। क्यों रोप नहीं हिलती? Because दोनों टीम इक्वल पुल कर रहे हैं, ये भी जितना पुल कर रही है वो भी उतना पुल कर रही है, दोनों इक्वल पुल कर रहे तो रोप हिल ही नहीं रही। क्लियर? इज इट नॉट सिमिलर टू सिचुएशन इन फिगर 11.3b? 11.3b, जब आप भी धक्का दे रहे हो, आपका फ्रेंड भी धक्का दे रहा है, लेकिन दोनों कैसे डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉक्स हिली नहीं ना। उसी तरह रोप को भी आप पुल पुश कर रहे हो, पुल पुश कर रहे हो और दूसरा भी पुश कर रहा है, लेकिन सॉरी पुल कर रहा है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, द टीम दैट पुल हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स विन, जो टीम ज्यादा तेजी से खींचता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, वो टीम जीत जाती है। What do this example? ये सारे example जो हमने box का example पढ़ा, tug of war के example से finally हम क्या analyze करते हैं, क्या conclude करते हैं? Force applied in on an object in the same direction adds to one another. मतलब जब आप box को एक इंसान pull push कर रहा है और दूसरा भी इंसान उसको धक्का मार रहा है, तो वो चीज अच्छे से मूव हो जाएगी। मतलब जब फोर्स अप्लाई करा जाता है ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे में एड ऑन हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। नॉट इक्वल व्हाट हैपन 11.2 में, जब आप और आपका फ्रेंड मूव कर रहे थे, मतलब जब फोर्स अप्लाई होता है सेम डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो दोनों फोर्स कैसे हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं, दोनों फोर्स एड ऑन हो जाते हैं और ज्यादा फोर्स लगता है। नाउ इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे, तो नेट फोर्स कितना होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अब जब फोर्स सेम डायरेक्शन में तो एड हो गया, लेकिन जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कितना होगा, मतलब नेट फोर्स मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स विल बी डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, नेट फोर्स विल बी डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स। अब ये बात को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, एक नंबर से समझाती हूँ। सपोज एक टीम ए और एक टीम बी, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सपोज ये भी यहाँ खींच रहा है, ये भी यहाँ खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? सपोज ये 10 जितना खींच रहा है, मैं डिजिट इसलिए बता रही हूँ जिससे आसानी हो जाए समझने में, और ये 20 जितना खींच रहा है, तो यहाँ पे कौन ज्यादा खींच रहा है, बी, और कितना ज्यादा खींच रहा है, 10 यूनिट ज्यादा खींच रहा है, तो अपना रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 10 यूनिट। तो यहाँ पे वही तो बात बोली, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट फोर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू, जो दो फोर्स है उन दोनों का डिफरेंस। मतलब जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा दोनों फोर्स को माइनस कर लो, दोनों फोर्स का डिफरेंस, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जाएगा। ओके, जो अपन हैवी बॉक्स को जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, वो देखो से फॉर एग्जांपल मैं यहां से पुश कर रही हूँ उधर, और मेरा फ्रेंड वहां से पुश कर रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, लेकिन सपोज मेरा हाथ का स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैंने ज्यादा जोर से पुश किया, तो वो क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा, मे बी मेरा फ्रेंड पुश तो कर है लेकिन उसका फोर्स मुझसे कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा ज्यादा है इसलिए वो उस डायरेक्शन में गया, तो जो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। क्लियर? So we learn from that a force could be a larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of force is usually expressed by its magnitude. Important, आपको force की strength कैसे पता चलती है? जो force है उसकी strength कैसे पता चलती है? With the help of magnitude. ये भी याद रखना, अगर आपको force की strength पता लगानी है कि force का strength कितना है, तो वो कैसे पता चलता है? With the help of magnitude. मैग्नीट्यूड के मदद से फोर्स की स्ट्रेंथ पता चलती है। इंपॉर्टेंट है, विच मेजर इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड। वी हैव आल्सो स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, आल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इफेक्ट चेंजेस। अब देखो नीचे एक डब्बा दिया हुआ है, डज इट मीन दैट नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। मतलब से फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड ऐसे, आप ऐसे धक्का दे रहे हो और आपका फ्रेंड ऐसे धक्का दे रहा है, अगर दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स इक्वल है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, बिकॉज डिफरेंस जीरो है ना। अपन ने क्या पढ़ा कि जब
फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तो क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन जब दोनों फोर्स इक्वल ही है तो डिफरेंस तो जीरो होगा, तो नेट फोर्स पे क्या होगा, जीरो। तो अगर आपको ऐसे पूछे कि व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स इज डैश, तो आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन द सेम, डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन अगर आपको पूछे इफ टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड बोथ फोर्स आर इक्वल, अगर ऐसा बोल दिया कि दोनों फोर्स इक्वल है तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। क्लियर? ओके, एक बार इसको गो थ्रू करो। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये तो अपन ने पढ़ा ही ना, अपन ने पढ़ा फोर्स, फोर्स मतलब पुश या पुल, उससे एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदल जाता है। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदल जाता है, मतलब फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। क्लियर? देखो अब इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप, एक रबर की बॉल को एक टेबल के टॉप पे रखो। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, अब बॉल को थोड़ा सा धक्का दो, पुश करो। डज द बॉल बिगिन टू पुल मूव, बॉल आगे जाना चालू होगी। पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग, मतलब अगर सपोज ये बॉल है उस बॉल को थोड़ा धक्का दे तो थोड़ा आगे जाएगी, फिर उसको और धक्का दोगे तो थोड़ा और आगे जाएगी। क्लियर? इज देयर एनी चेंज इन स्पीड? नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग बॉल, फिर क्या करो, एक चलती हुई बॉल के बीच में अपना हाथ रख दो, तो क्या होगा? देखो पहले सिचुएशन में जब बॉल स्टेशनरी थी, आपने उसको धक्का दिया मतलब फोर्स अप्लाई किया तो बॉल मूव होने लगी, फिर वो धीरे धीरे रुकने वाली थी तो आपने वापस धक्का दिया तो और मूव हो गई। तो मतलब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके क्या किया, बॉल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया। दूसरी बात, एक चलती हुई बॉल को आपने बीच में हाथ रख दिया, बीच में हाथ रख दिया मतलब ये भी फोर्स अप्लाई हुआ तो चलती हुई बॉल रोक गई, मतलब यहाँ पे भी तो मोशन जो स्टेट ऑफ मोशन है चेंज हुआ, चलती हुई बॉल रोक गई मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। ओके, you might recall similar situation, for example while taking a penalty kick in football player applied a force on a ball before hitting ball, the ball was at rest and so speed was zero, the applied force makes the ball move towards the goal, suppose goalkeeper drives or jump up to save the ball, by his action the goalkeeper tried to apply a force on the moving ball, the force applied by him can stop or deflect the ball saving the goal being scored, if the goalkeeper succeeds in stopping this the ball its speed decreases to zero। कुछ नहीं, क्या बोला है, एक पेनल्टी किक मिला है गेम में, मतलब आजू बाजू कोई नहीं, आप अकेले हो, नीचे एक बॉल पड़ी हुई है, नीचे फुटबॉल है, उसकी स्पीड क्या है, जीरो। अब आपने उस फुटबॉल को जोर से फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, जोर से फुटबॉल को जोर से फोर्स अप्लाई किया, तो वो जो स्पीड जीरो थी वो बॉल की स्पीड बढ़ गई। अब सामने गोलकीपर वो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब अगर गोलकीपर ने वो बॉल को रोका, अगर वो रोकने में सक्सेसफुल हो गया तो बॉल रुक जाएगी और उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है, या तो प्रॉपर रुक जाएगी। मतलब यहाँ पे पहले बॉल जीरो स्पीड पे थी लेकिन जैसे अपन ने किक मारा तो अपन ने फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल गया, फिर अब जब बॉल मूव कर रही थी और गोलकीपर ने उसको रोक दिया तो वापस फोर्स अप्लाई किया तो चलती भी बॉल रुक गई तो वापस स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। समझ आया? दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करो तो उसकी स्पीड बदलेगी। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, सिंपल, अगर सपोज बॉल चलती हुई बॉल को आप और धक्का दे रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी वो चल रही है उस डायरेक्शन में और फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी। अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल ली, वो बॉल चल रही है थोड़ा टाइम बाद और धक्का मार तो और तेजी से चलेगी, मतलब आप सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लेकिन फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो आप, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अगर बॉल ऐसे चल रही है, जल्दी बॉल को आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत वर्डी चैप्टर है नो डाउट, बट पूरा कंसेप्चुअल है। क्या हुआ, जब आप फोर्स अप्लाई करो एक ऑब्जेक्ट में,
उसके मोशन के डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब आप फोर्स अप्लाई करो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम। मैंने आज चैप्टर स्टार्ट किया और काफी चैप्टर को कवर किया, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल वो देखा, फिर फोर्स के लिए इंटरैक्शन होना जरूरी है ये समझा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फिर अपन ने पढ़ा कि जब हम फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट होता है तो दोनों एड ऑन हो जाता है फोर्स, और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू, और जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स है तो नेट फोर्स होता है जीरो। वेल डन स्टूडेंट्स। उसके बाद फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का मोशन बदल जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल जाती है। जब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है तो स्पीड इंक्रीज होती है, और जब फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये इसके क्रक्स पॉइंट है स्टूडेंट्स। ओके, सो मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, लाइक दिस लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स डैश। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स डैश, एंड टाइम एंड्स इन 3, 2, 1, इट इज मैग्नीट्यूड। वेल डन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल बी द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ टू फोर्स आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। What will be the net force on an object if two force acting in the opposite direction are equal? And your time ends in 3, 2, 1. Well done. 0. Good. Next. What will happen if force is applied in the direction of the motion, its speed will dash, increase or decrease? If the force is applied in the direction of the motion, its speed will dash, increase or decrease? And your time ends in 3, 2, 1, it will increase. Next and last simple one, what is force? What is force? And your time ends in 3, 2, 1. In science, force means push or pull on an object. Clear? So students, goodbye. We'll be ending our lecture and continue with the further topic in our next lecture. Goodbye.